बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये हज बुकिंग पोर्टल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हज का पैकेज कैसे जो है ना वो सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहली फील्ड में आप अपना इकामा नंबर एंटर कर देंगे। सेकंड फील्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वही डेट ऑफ बर्थ है जबकि इकामा पर मेंशन है। उसके बाद आपने जो कैप्चा कोड है उसको आपने एंटर करना है और जो सबमिट का बटन है उसको क्लिक कर देना है। आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गया मिनिस्ट्री की जानिब से, आपका नाम और आपका आइडेंटिटी नंबर सामने आया है। उसके बाद कैंसिलेशन के कुछ रूल्स जो है बताया गया डिटेल में, आपने इनको गौर से पढ़ना है और अच्छी तरह इनको जेनशीन कर लेना है ताकि बाद में आपको किसी मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। ये देखिए काफ़ी सारे रूल्स जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हम इनको ऐसा स्क्रॉल करते हैं। मैं भी ऐसा इनको सशी निगाह से पढ़ लिया है क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक रूल को पढ़ के आपको डिटेल बताऊँ। तो सरसरी जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना वो नीचे एक टेबल है उसको देखकर आपको मैं बता देता हूँ कि जो है ना वो क्या क्या रूल्स हैं और किस वक्त आप कैंसिल करेंगे तो आपसे कितनी जो है ना वो डिडक्शन जो है ना वो मिनिस्ट्री की जानिब से की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये टेबल आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया है जी। अगर आप पेमेंट से पहले आप करेंगे कैंसिल तो सारी बात है, आपने कुछ दिया नहीं तो आपसे कुछ काट भी नहीं सकते, तो ज़ीरो होगी। अगर MOI उसको परमिट को रिजेक्ट कर देती है तो फिर आपको 25,000 पर हेड प्लस ट्रांसफ़र फीस जो बैंक की और वैट ये आपसे उठा ले लिया जाएगा। और अगर पेमेंट करने के बाद और प्रिंटिंग परमिट के बाद 65,000 जमा बैंक फीस और वैट और प्रिंट करने के बाद 1 ज़िलकायदा तक जो है वो रहेगी 65,000 बैंक ट्रांसफ़र फीस और वैट। उसके बाद अगर आप 23 ज़िलकायदा करते हैं तो 40, 24 करेंगे तो 50, 25 करेंगे तो 60, 26 करेंगे तो 70, 27 करेंगे तो 80। उसके बाद फिर 100% जो है ना आपकी डिडक्शन आपसे कर ली जाएगी, आपको एक भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद जो है ना ये रिजर्वेशन के रूल्स हैं, आपने इन सब को जो है ना वो गौर से पढ़ना है। उसके बाद ही आपने जो है ना वो नीचे दिए गए एग्री के बटन क्लिक करना है। ये कुछ ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन जो हैं वो बताई गई हैं, इनको भी आपने जो है ना वो गौर से पढ़ लेना है और अच्छी तरह जो है ना इनको अपने जहन में बिठा लेना है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं आहिस्ता आहिस्ता और साथ साथ जो है ना वो पढ़ते जाते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो प्लीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इनको पढ़ भी नहीं सकता और दोहरा भी नहीं सकता। तो आप बेहतर है कि जो है ना इनको अच्छी तरह ख़ुद ही आप जो है इनको जहनशीन कर लें और उसके बाद जो है ना वो सब पढ़ने के बाद ही आप जो है ना वो नीचे दिए गए जो एग्री का बटन है उसको आपने जो है ना वो क्लिक करना है। चलिए आप जो है ना वो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक कैप्चा कोड है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने नीचे दिए गए जो एग्री का बटन है उसको आपने क्लिक कर देना है। अब आपने जो है अपने यहाँ पर सिटी चूज़ कर लेनी है, रियाद हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है ना वो पैकेज जो है ना सेलेक्ट करना है। मैं डिस्टिंग्विश ऑथोरिटी कैंप्स यानी ये वाला पैकेज जो सबसे लीस्ट है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और हज ऑपरेटर मैं देखता हूँ कौन सा अवेलेबल है। हज ऑपरेटर के बटन को हम क्लिक करते हैं। शर्का ज़ाफ़रा खिदमत शर्का बना मैं तलाश कर रहा हूँ, देखता हूँ शर्का फादा शर्का अहमद सालम शर्का लखिया शर्का सोफल शर्का शर्कत खान अलहज, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शर्कत खान अलहज। ये दरिया की कंपनी है, अगर ये है तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसका मैंने सुना हुआ है। तो शर्कत खान सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद हम जो है वो पैकेज को जो है ना वो सॉर्ट कर लेंगे, हम लो टू हाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटी का भी कर सकते हैं, लो टू हाई, हाई टू लो, जो आपको जो है ना वो मुनासिब लगे। तो हम जो है ना वो लो टू हाई सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने जो डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो आ गए हैं। अच्छा, जो मैंने सर्च किया इतकान तो उसको आना चाहिए लेकिन वो अब है नहीं। हम दोबारा मैं यहाँ पर सर्च को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, फिर भी वही आ रहा है। तो चलिए इसमें से कोई देख के पैकेज कोई भी कंपनी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मजबूरी है। नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कौन सी कंपनी जो है ना सेलेक्ट करनी है। चलिए ये कंपनी जो है ना इरका शिरका मौसा साद दखीरा रशीदी, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अल्लाह, ये एरर आ गया मेरे भाई। चलिए दोबारा से जो है ना हम कर लेते हैं, वही आपके ऊपर फॉर्म फिल हुआ है। अब जस्ट आपने कैप्चा कोड हम एंटर कर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर जो है ना वो
हम मज़ीद जो कार्रवाई कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से कैप्चा कोड एंटर करते हैं, सबमिट का बटन क्लिक कर देते हैं। जल्दी जल्दी इसको हमने पहले पढ़ चुका है, इसको जल्दी हम नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और जाके जो है वो कैप्चा कोड एंटर करते हैं 2LJN, एग्री क्लिक कर देंगे उसके बाद फ़ौरन। अब ये वही टेबल सामने आ गया, तो उसमें हम सबसे पहले सिटी जो है वो अपनी रियाद सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो पैकेज जो है ना वही जो हमने पहले सेलेक्ट किया था उसको हम क्लिक कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश्ड हॉस्पिटैलिटी कैंप्स वाला। उसके बाद हम ऑल ही रहने देंगे और सर्च कर लेते हैं। चलिए हम जो है ना ये पहले वाला जो कंपनी शर्क अब्दुल्ला अली वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए साथ ही जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना बुकिंग आ गई है और देख सकते हैं कि ये आज के दिन 2:11 तक जो है ये रहेगी बुकिंग। साथ ही मुझे ऊपर SMS भी आ गया, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ से अगर आप जो है ना वो कुर्बानी की बुकिंग करना चाहें तो आप यहाँ पर अदाही से क्लिक करके बुकिंग भी कर सकते हैं। नीचे ये कंपनी की डिटेल्स वगैरह दी गई हैं और अमाउंट दी गई है और ये जो है ना ट्रांसपोर्ट बताई गई है किस तरह होगी और ये कंपनी का एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह है। उसके बाद पैकेज कॉस्ट है 12,000 उसकी कॉस्ट है, 1800 जो है ना उसका वैट है और ये जो है ना आपको ट्रांसमिशन बताई गई है और ये खाने पीने जो भी दिया जाएगा मुशायर में जो हौजे होंगे वो बताया गया है। आपका नाम वगैरह नीचे ID वगैरह और जो कैंसलेशन रूल्स वगैरह हैं जो पहले हम उसका जिक्र कर चुके हैं ये नीचे दिए गए हैं उसी तरह से जैसे हमने पहले मेंशन किया था। ये देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।